हेलो एवरीवन वेलकम बैक कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो अभी टाइम हो रहा है साढ़े पाँच का और आज तारीख है तेईस वीरवार है और अभी से मैं अपना इवनिंग रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और मौसम मैंने आपको दिखाया मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है मतलब आज पूरा दिन धूप थी सुबह से लेकर धूप लगी थी और अभी जाकर मौसम ख़राब हुआ है और किचन में है आज शेफ़ ऐसा बोलते हैं भाई साहब मुस्कुराते नहीं हैं भाई मुस्कुरा दो मुस्कुराते हैं ऐसा आया था कमेंट कैसा कमेंट आया था अभी हटो भाई साहब जब आप वीडियो बनाते हैं भाई साहब साइलेंट ही रहते हैं मैंने इन्हें नहीं बोला होता है साइलेंट रहने को ऐसे ही रहते हैं तो आज मैं अभी यहाँ बन रही है चाय ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी समोसे की रेसिपी जो कि कल आपने लाइव में कहा था तो उसके लिए मैंने ना तैयारी कर दी है मैं आपको दिखाती हूँ तो ये आलू रखे हैं मैंने बॉईल करके ये ना ज़्यादा सीटी लग गई थी इसमें क्योंकि ये लोकल आलू है तो ये जल्दी गल गए थे तो ये मैंने ठंडे होने को रखे हैं और यहाँ पर ये हरा धनिया मैंने धोकर और ये मटर ना मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर उबाल लिए थे तो सॉफ़्ट हो गए हैं ये पके नहीं हैं पर सॉफ़्ट हो गए हैं और ये दो मिर्चें तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं तो पहले हम चाय पी लेते हैं आप लोग भी पी लीजिए चाय हमने पी ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में तो इस टाइम थोड़ा आपको अंधेरा सा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट जा चुकी है तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया है दो कटोरी और उसमें मैंने एक चम्मच के करीब नमक छोटी चम्मच है और थोड़ी सी अजवाइन और ये मोइन के लिए दो चम्मच मैंने तेल डाला है आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं तो पहले हम इन तीन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि ये इस तरीके से बाइंड ना हो जाए और अब हम पानी डालकर गूँधेंगे मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंथे गए इसे हम मीडियम सा रखेंगे तो देखिए आप पानी जो है वो बहुत कम यूज कर रही हूँ एकदम से सारा नहीं डालना है तो इस तरीके का आटा लगा देना है और इसे रख देंगे ढककर और अब हम तैयारी करेंगे अपनी स्टफिंग की जो हमें समोसे के अंदर बनानी है तो ये देखिए मैंने ना साबुत धनिया लिया है सीड्स होते हैं जो धनिया सीड्स ये इसका टेस्ट समोसे में बहुत अच्छा होता है आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं इस टाइम पर पर मैंने ये ऐड किए हैं क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये अदरक लहसुन दो हरी मिर्चें और बारीक कर दिया है मैंने धनिया धनिया पाउडर सारी चीज़ों को मैंने बारीक जॉब किया है तो लहसुन अदरक और हरी मिर्च को हम डाल देंगे तो ये देखिए आप बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कर दिया है ताकि आ, मतलब दांत के नीचे एकदम से ना आए बड़ा सा टुकड़ा तो टेस्ट भी रहे फ्लेवर भी रहे तो सारी चीज़ों को अच्छे से डाल दिया है और उसके बाद और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें मटर तो ये मटर को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया है बस पाँच मिनट गर्म पानी में खौला लिया था उबाल लिया था उसके बाद छन्नी में रख दिया था पानी निकाल के और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर तो मैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने दो हरी मिर्चों को काट कर डाला है और अगर आप तीखा खाते हो डाल सकते हैं तो ये आलू देखिए आप ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें मैं हाथों से ऐसे मैश कर लूँगी बिल्कुल ज़्यादा मतलब कद्दूकश नहीं करेंगे तो उससे बिल्कुल पतला हो जाता है हमारी स्टफिंग तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता तो इस तरीके से हाथ से मैंने कर लिया है और अच्छे से मिला लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अब हम नमक वगैरह तो चलिए पहले अच्छे से मिला लेते हैं और अब देखिए आप नमक डाल दिया है धनिया पाउडर डाल दिया है और ये जीरा पाउडर इसमें डाला है बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपके पास अगर चाट मसाला है ना तो आप वो भी डाल सकते हैं उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाला आमचूर थोड़ा मतलब बाद में डालेंगे उन्हें तो चलिए पहले हरा धनिया इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये देखिए हरा धनिया भी ऐड कर लिया है और अच्छे से मिला लेंगे पूरी ये जो हमारी मसाला हम बना रहे हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे बस हल्का सा हम इसे वो करेंगे तो ये देखिए आप एंड में अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर और चाट मसाला अगर आपके पास हो तो आप इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं तो बस इसे अब ठंडा होने देंगे हम अच्छे से पहले आमचूर को मिला लेते हैं और गैस की गैस को कर देते हैं बंद तो देखिए आप अच्छे से स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है तो ये ठंडा हो चुका है और आटा देखिए हमारा बहुत अच्छा हो गया सॉफ्ट ही हो गया है ज़्यादा तो एक बार इसे अच्छे से और गूंद लेंगे मतलब मसल लेंगे हाथों से तो तेल को ऐड कर देंगे कढ़ाई में ताकि जितनी देर हम अपने समोसे फिलअप करते हैं उतनी देर हमारा तेल गर्म हो जाए तेल ज़्यादा लिया है क्योंकि समोसे जो हैं वो अच्छे से फ्राई होने चाहिए डिप होने चाहिए तो ये देखिए एक रोटी सी बनाई और उसे इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है पानी की हेल्प से पानी लगा लिया है तो ये देखिए अच्छे से बंद करेंगे तो मैंने भी ये काफ़ी टाइम के बाद बनाए हैं पर अच्छे बन गए थे फटने नहीं चाहिए समोसे हमें इसे अच्छे से पैक करना है तो चलिए इसको हम फिलअप कर देते हैं तो स्टफिंग आप डाल सकते हैं आप चाहे तो हाथों की हेल्प से डाल सकते हैं जैसा जिसको कंफर्टेबल लगे और अच्छे से डाल देंगे स्टफ़िंग जितनी आप चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े समोसे मैंने नहीं बनाए हैं तो ये देखिए आप स्टफिंग को हाथों से मैं थोड़ा प्रेस कर लूँगी और इसमें भी हम अंदर से पानी लगाएंगे ये देखिए उंगली की हेल्प से मैं लगा रही हूँ और अब हम इसे बंद करेंगे प्रेस करेंगे ज़ोर से और पानी लगाने के बाद ना एकदम से ये स्टिक हो जाता है मतलब बंद हो जाता है तो ये देखिए कोशिश की है अच्छा सा समोसा बनाने की और बने भी अच्छे थे तो ये देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से थोड़ा सेट कर लेंगे बिठा के और ये देखिए मैं आपको थोड़ा लाइट कम करके दिखाती हूँ तो ये देखिए समोसा बना है और एक भी समोसा नहीं फटा तो बस इसी तरीके से मैंने ये सारे समोसे भर लिए थे तो आप लोग एक बार और देख लीजिए तो ये कौन जैसा मैंने बनाया है अगर इधर उधर थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं आ, ये हम लोगों ने ही खाने हैं और कहते हैं ना जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हो जाता है पहले एक दो में थोड़ी दिक्कत आई उसके बाद मैंने फटाफट से सारे भर लिए थे तो ये देखिए ये भी मैंने भर लिया है और इसे भी मैं पानी लगा बंद कर, कर दूँगी तो काफ़ी अच्छे थे और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग घर में बनाते हैं तो हमें तसल्ली रहती है कि हर चीज़ हमने अपने अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेट की है और इसमें मतलब हेल्दी है कोई ऐसा नहीं है बाहर पता नहीं रहता देखिए कहाँ कैसा बनता है कैसे हाथ होते होंगे लोगों के तो मुश्किल रहती है घर में हम लोग ईजीली बना सकते हैं ये चीज़ें और ये इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है वैसे हम आलस करते थे कि चलो रहने दो बाज़ार से ले आएंगे तो अब देखिए ये समोसे छः मैंने पहले बनाए और छः के छः मैंने डिप कर दिए हैं साथ में और बस बीच बीच में मुझे भी डर लग रहा था मैं इन्हें चला कर देख रही थी कहीं पता नहीं कैसे बने कैसे नहीं तो बस एक दो बार मैंने इन्हें पलट लिया था तीन चार मिनट के गैप पे और मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को रखा है मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है मीडियम टू हाई फ्लेम है और ये देखिए दो तीन बार अलट पलट करने के बाद ये समोसे में बहुत अच्छा कलर आ गया है तो इस टाइम पर मैंने ये निकाल दिए हैं और बाकी के भी मैंने बनाकर इसी तरह से तल लिए थे और एंड में दो समोसे रह गए थे और उसके बाद मैंने मटर मतलब जो ये आटा रह गया था गुथा हुआ मेरे पास इसके मटर यहाँ हस्बैंड कट कर रहे हैं तो इसके हमने मटर बना दिए थे मतलब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे हमारे यहाँ मटर इन्हें कहते हैं नमक पारे शायद कहते हैं तो ये देखिए इस तरीके से और यहाँ बन रही है चटनी तो आम आमचूर मतलब अनारदाना रहता है ना चटनी वाला वो मेरे पास नहीं था ना नींबू था तो हम लोगों ने यहाँ सिंपल सी चटनी बनाई है वैसे ऐसे ही हम लोग गर्मी में बना लेते हैं तो प्याज ऐड किया है और आज की ये रेसिपी हस्बैंड की है तो प्याज डाला है एक और दो छोटे छोटे टमाटर थे ये डाल दिए हैं और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है ये पुदीना आ, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है पुदीना डाल दिया है थोड़ा सा और ये दो मिर्चे डाल दी है दो मिर्चे हैं आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं मिर्चे आ, हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लहसुन ऐड की है तीन चार कलियाँ बारीक काट कर और इसके बाद हरा धनिया डाल दिया है और इसका बना देंगे हम आप पेस्ट चटनी बनाएंगे इसकी और नींबू हो तो आप नींबू निचोड़ नी सकते हैं पर हमारे पास नहीं था तो हमने इसी से काम चला दिया और इसके बाद इसे हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका मतलब इसकी चटनी बना लेंगे तो चाय भी बन चुकी है समोसे भी तैयार है और ये देखिए आप समोसे बहुत अच्छे लग रहे हैं एकदम खस्ता बने थे और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चटनी बहुत अच्छा इसका भी कलर आया है तड़का वगैरह मैंने इसमें नहीं लगाया सिंपल चटनी बनाई है तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे हाथ के बने समोसे कैसे लग रहे हैं चटनी अच्छी है कि समोसे अच्छे, अच्छे हैं चटनी तो आपने बनाई है ना सच्ची बताओ कैसे समोसे मजाक दुकान दुकान की तरह नहीं थोड़ी कमी है ना ठीक हंस के बोल दो यार ठीक है यार यहाँ देख के बोलो ना यहाँ वीडियो ना देखा है। वीडियो बना रही हूँ मैं देखो दिखाऊँ अंदर से जरा गर्मा गर्म तो बस अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ किचन में चपातियाँ बनाने सब्जी हमारे पास दोपहर की रखी है तो मैंने कहा चलिए आटा गूँध के चपातियाँ बना लेती हूँ तो उसके बाद मैंने आटा गूँथा और उसके बाद अब मैं चपातियाँ बना रही हूँ थोड़े बहुत बीच में आपको पता है किचन के कितने काम रहते हैं और जब हम कुछ ऐसा बनाते हैं ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमेशा के दाल चावल के रूटीन से अलग हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ सासूमा आई हैं कुछ लेकर तो पुदीना ये लेकर आई थी मतलब पहले शाम के टाइम में गई थी खेतों से वहाँ से लेकर आई थी तो मैं कह रही थी इनको थोड़ा सा बचा है आप ले जाओ वैसे मैंने चटनी भी इनको दे दी थी बनी हुई समोसे चटनी तो इन्होंने कहा था थोड़ा सा मुझे दे, दे देना तो बस वही मैं कह रही हूँ लेकर जाओ मैंने धोकर रखा है और यहाँ आ रही है लावण्या बार बार समोसे खा के उसे मिर्ची लग रही है ना तो बस मम्मा बहुत अच्छे बने हैं रोज़ बनाया करो तो मतलब बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है तो अब चलिए मैं पहले चपातियाँ बना लेती हूँ उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी तो हमारा खाना हो चुका है और बहुत अच्छे बने थे समोसे मतलब मुझे ख़ुद को नहीं पता था कि इतने अच्छे बनेंगे लावन आस्ते करो तो अच्छे बने थे और मैंने ये जो है शाम के टाइम बनाए क्योंकि दोपहर तो में टाइम नहीं लगता फ़ोन सुजल के पास होता है तो फिर हस्बैंड ने कहा कुछ और मत बनाओ खाना अब मत बनाओ अब तुम ऐसा करो ये समोसे ही बनाओ चटनी बनाओ सब्जी हमारे पास दोपहर की थी तो वो हम लोग खा लेंगे लावन साउंड बंद करो तो वो खा लेंगे और फिर इसीलिए मैंने कुछ और नहीं बनाया तो आ, आज उधर देख पानी है सॉरी तो आज का हमारा डिनर यही था समोसे चटनी और सब्ज़ी थी दोपहर की चपातियाँ मैंने बनाई वो ऐसा ना बहुत कम होता है जब ये बोलते हैं कि आज अच्छे बने थे मेन जो है वो अंदर का हिस्सा होता है स्टफिंग जो होती है मसाला होता है वो अच्छा बना था बाहर वाला मुझे ऐसा लगता है जो शॉप में रहते हैं ना वो थोड़े क्रिस्पी से होते हैं और मेरे वाले क्रिस्पी थे पर थोड़ी सी मुझे कमी लगी मतलब हंड्रेड में से नाइन्टी परसेंट मुझे लगा टेन परसेंट कमी रह गई कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम हम उसे भी दूर कर देंगे अब हम करेंगे इस वीडियो का एंड और कल मैं बर्थडे विश करना भूल गई थी तो सॉरी अहमदाबाद से मेरे सब्सक्राइबर हैं भोया जीवन भाई नाम से उनकी आईडी है तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्लीज़ आप नाराज मत होना वो नाराज़ हो गए थे कि सबके मेरा बर्थडे विश नहीं किया तो आई एम सॉरी मैं भूल गई थी क्योंकि फ़ोन जो है वो बच्चों के पास होता है और आपने एक दो दिन पहले मुझे याद ही नहीं दिलाया बहुत पहले आपने बताया था कि इस डेट को मेरा बर्थडे है अगर आप मुझे दो दिन पहले बता देते तो मैं मुझे याद वैसे ही मैं बहुत बुलक्कड़ हूँ बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ और भी किसी के अगर बर्थडे वगैरह अगर रह जाते हैं पता क्या होता है मैंने आपको कई बार कहा है जैसे आज मैंने ये वीडियो बना दी मैंने अभी एडिट कर दी और कमेंट्स मैंने बाद में पढ़े फिर मुश्किल हो जाती है नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ तो पहली वाली वीडियो को पोस्ट कर देती हूँ फिर उस पर कमेंट आ जाते हैं और आप जो कमेंट करते हैं ना आप मतलब कई नए सब्सक्राइबर हैं वो पुरानी वीडियो पे भी कमेंट करते हैं तो मेरे पास वो कमेंट लाइन में शो होते हैं मतलब मेरे पास ऐसे शो नहीं होते जैसे मान लीजिए पहली वीडियो पे किसी ने कमेंट किया तो मेरे पास वो शो हो जाती है आज वाली वीडियो का भी मतलब जैसे जैसे कमेंट आएंगे वैसे वैसे शो होते जाते हैं पुरानी वीडियोस के भी तो इसमें मुझे ढूंढने की बहुत मुश्किल हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है तो आ... सॉरी uh, जिसका भी था एक और बर्थडे था मुझे ध्यान नहीं रहा वो भी मैं भूल गई थी मतलब uh, बोल नहीं पाई नेक्स्ट वीडियो में भूल गई तो सॉरी आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे तो चलिए फिर इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो का भी करते हैं यहीं पर एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर घर पे रहें सुरक्षित रहें